ये है इसकी ऑयल की नोज़ल, ये वाली सामने वाली जो इसके पिस्टन को ऑयल देती है, जिससे ऑयल जो है पिस्टन लुब्रिकेंट रहता है, पूरा ऑयल में डूबा रहता है। ये इसके रिंग लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये U17R सबसे आगे रिंग आ गया है इसका। और पिस्टन की पोजीशन मैं बता दूंगा, रिंग कैसे लगेंगे इसके अंदर, किस टाइप से लगेंगे। ये सबसे पीछे इसका ऑयल रिंग होता है, इसकी पोजीशन इस जगह पे रहेगी, क्योंकि नीचे इसके जो नोज़ल आती है उससे अपोजिट इसका ऑयल रिंग रहना चाहिए। ये दूसरा कंप्रेशर रिंग आपका नीचे की तरफ आएगा, इसका गजन पिन के ठीक सामने, नीचे की तरफ, बिल्कुल ठीक सामने नहीं आएगा गजन पिन के। और ये इसका मेन कंप्रेशर रिंग सबसे ऊपर की तरफ आ गया, इसका लेफ्ट साइड में। कोई भी रिंग का जो खुला हुआ हिस्सा है वो गजन पिन की तरफ नहीं आएगा कैसे भी। ये इसका हेड गैस्केट है, हुंडई के ओरिजिनल किया का, आप देख सकते हैं किया लिखा हुआ, देखिए ये इसका ओरिजिनल हेड गैस्केट है। ये 4 सिलेंडर इंजन है फ्रेंड्स, हुंडई वर्ना 1.6 पेट्रोल डीजल का, इसका मैंने इंजन बांधा है पूरा, ये वर्ना खड़ी है बिल्कुल। और टाइमिंग के लिए आपको देखिए, ये कार्टर, ये डॉट और ये इसे चेन पे निशान होता है, ऐसे ही इस कार्टर पे, यहाँ पे डॉट और इस चेन पे निशान होता है। पूरी चेन पे अलग अलग जगह निशान दिए हुए हैं, तीन जगह निशान है। एक देखिए डॉट, ये रहा एक, ये ब्लैक निशान चेन पे, और ये पीछे निशान आ गया आपका ब्लॉक पे, इस पे ये वाला निशान बिल्कुल सेम, ये यहाँ मिला, ये इस जगह पे मिल गया। और ये आपका निशान इस जगह पे अलग निशान आया, और ये डॉट यहाँ से मिल गया। और आपका क्रेंग सेंसर पे, आपकी क्रेंग सबसे पहले आपको पिस्टन, पहला पिस्टन टॉप पे करना पड़ेगा। ये कार्टर की पोजीशन आ जाती है, ये डॉट लगा हुआ है छोटा वाला, इसके सामने बिल्कुल ये TDC पोजीशन आ जाती है, TDC लिखा हुआ है, ये सामने मिल जाता है तीनों चीज़ें इसके एक साथ बिल्कुल इस जगह पे। और पिस्टन टॉप पे ज़रूर करें, पहला पिस्टन टॉप पे, जब इसे टाइमिंग मिलाएं, टाइमिंग इसका कवर खोलने के लिए आपको पहले इसका चैम्बर खोलना पड़ेगा, उसके बाद इसके टाइमिंग प्लेट खुलेगी सामने वाली, बिना चैम्बर खुले नहीं होगा, क्योंकि ऑयल पंप होता है उसके अंदर। और ये इसकी पूरी टाइमिंग की पोजीशन आ जाती है आपके सामने बिल्कुल, ये है ह्यूंडई वर्ना 1.6 डीजल का टाइमिंग।